आईएएस को अगर आपको 10 में कुछ नंबर देने होंगे तो कितना नंबर? सर पहले तो हमारा गुरुद्वारा ही है यहाँ पे पटना साहब, तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे, और बीपीएससी में अब हो गया तो इंटरव्यू देने आए। सर मेन तो पहला यही है कि आप हरियाणा से हैं और बिहार क्यों आना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। सर एक तो सारे ऑफिसर्स लेवल के पैनल मेंबर्स हैं, तो उनके थ्रू बात करने से, हाव भाव से, सब कुछ उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। हरियाणा से आप ही केवल हैं या और भी आपके जानकारी में कुछ लोग हैं जो बीपीएससी एग्जाम देने आए? नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। 66वीं बीपीएससी इंटरव्यू 18 मई से शुरू होने वाली है, लेकिन उसके पहले एक्सपीरियंस लेने के लिए जो उस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थी हैं वो मॉक इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि कुछ अनुभव वहां से ले सके और जो उनकी कमियां हैं वो उन्हें पता चल सके। तो कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं जो बिहार के नहीं हैं, हरियाणा से आए हुए हैं। बात सीधे इन्हीं से करेंगे। क्या कुछ नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम अमनदीप सिंह है। हरियाणा में आप रहते हैं, कहाँ से? हरियाणा से। सर हरियाणा में फरीदाबाद से। यहाँ पर केवल बीपीएससी के लिए या और भी कुछ रीजन है? सर पहले तो हमारा गुरुद्वारा ही है यहाँ पे पटना साहब, तो उसके भी दर्शन हो जाएंगे, और बीपीएससी में अब हो गया तो इंटरव्यू देने आया हूँ। इसके पहले अभी 67वीं पीटी भी हुई थी, तो उसमें भी क्या एग्जाम दिया था क्या आपने? 67 पीटी जो हुई थी, यस सर दिया था उसमें। कैंसिल हो गया, कैसा लगा? सर दुख हुआ, बट अब सभी का ही हो गया तो क्या। हरियाणा से आप ही केवल हैं या और भी आपके जानकारी में कुछ लोग हैं जो बीपीएससी एग्जाम देने आए थे? सर और भी स्टेट से हैं, ना केवल हरियाणा से, यूपी से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। कब आया बिहार? सर मैं आया था पीटी देने, तो मैं पहले से ही हूँ बिहार। उसके बाद अभी गए नहीं? नहीं सर। तो एक सवाल तो पहला यही, सेंटर कहाँ था और बिहार आने के बाद वहाँ तक पहुँचने में कितनी दिक्कत हुई? सर मेरा सेंटर खगड़िया था और ट्रेन के माध्यम से गया था। कितनी तो दिक्कत हुई? सर दिक्कत तो सारे स्टूडेंट्स को हुई थी, क्योंकि सब खड़े होके ही गए थे और ट्रेन में एक्स्ट्रा ही भीड़ थी। कितने देर का पूरा सफ़र रहा होगा आप लोग? सर अराउंड 5 घंटे तो था ही। कैंसिल जब पेपर हो गया तो बुरा लगा क्या? सबको ही लगा था और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही लगा था। चलिए खैर अब बात कर लेते हैं, प्रेम आईएएस से जुड़ा हुआ आपने मॉक इंटरव्यू अभी दिया है, तो ऐसे में जो इंटरव्यू में आप पार्टिसिपेट किए हैं तो कैसा रहा, फीडबैक क्या देंगे पहला? सर एक तो सारे ऑफिसर्स लेवल के पैनल मेंबर्स हैं, तो उनके थ्रू बात करने से, हाव भाव से, सब कुछ उन्होंने हमें बताया कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, कि आप अपनी बात को कैसे रख सकते हैं, कौन सी बात कीजिए कौन सी नहीं कीजिए, कौन सी बात अगर ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो रहा है तो उस पर ध्यान देने की बात है, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। बीपीएससी का ये कौन सा अटेम्प्ट था? सर मेरा पहला है। इसके पहले सिविल सर्विस में किसी भी जगह? सर यूपीएससी दिया था मैंने। कितनी बार? सर 2 बार दे चुका हूँ। उस पर पहुँचे थे कहीं पे? सर मेंस दिया था पहली बार में। पहली बार में मेंस, दूसरी बार में? दूसरी बार में नहीं तो हुआ था। आपका मतलब कि इंटरव्यू का पहला एक्सपीरियंस होगा? यस सर। तो पहली बार में ही बीपीएससी का आप इंटरव्यू में पहुँचे हैं, तो जो प्रम आईएएस के द्वारा जो आपके आपका जो टेस्ट लिया गया, सबसे ज़्यादा जरूरी सवाल है आप किस प्रकार की रही आपसे? सर मेन तो पहला यही है कि आप हरियाणा से हैं और बिहार क्यों आना चाहते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। बाकी जो मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मेरी हॉबीज़ वगैरह हैं, उसमें से सवाल हैं। क्या है क्वालिफिकेशंस आप? सर मैंने बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। ऑप्शनल क्या था आपका? सर मेरा सोशियोलॉजी है। तो बीटेक और यहाँ पर सोशियोलॉजी? सर क्योंकि ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का कोई वैकल्पिक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए है, केमिकल वालों के लिए है, बट मेरे लिए नहीं था। तो इससे जुड़ा हुआ सवाल रहा कि सोशियोलॉजी आपने क्यों लिया बीटेक करने के बाद? इस पैनल में तो नहीं पूछा था, बट दूसरी जगह इंटरव्यू में उन्होंने पहले आपने पार्टिसिपेट किया बिहार में ही दूसरे जगह? बिहार में ही किया था। बिहार में ही किया था। कुछ डिफरेंसेस अगर आपको लगे वहाँ पर जो आपने मॉक इंटरव्यू दिया और यहाँ पर जो दिए, दोनों में कुछ डिफरेंसेस? सर डिफरेंस तो कुछ भी एज सच नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाने और यहाँ पे भी प्रश्न पूछे जाने। हाँ यहाँ का पैनल मेंबर काफ़ी इनकरेजिंग था, तो उसमें काफ़ी अच्छा लगा। ऑप्शन से क्या क्या सवाल रहे आपसे? सर जैसे कि सोशियोलॉजी क्या होती है, फादर कौन है सोशियोलॉजी का, मार्क्स पर्सपेक्टिव को कैसे देखते हैं, और कास्ट सिस्टम सोसाइटी में सोशियोलॉजी से जो रिलेटेड है, तो वो सब।
सर करंट में जैसे अभी खालिस्तानी मूवमेंट का जो चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में देखा गया है, तो उससे रिलेटेड खालिस्तान मूवमेंट क्या है उसका पूछा गया था। विदेश से जुड़ा हुआ कोई विदेश नीति से जुड़ा हुआ सवाल इस प्रकार? सर अभी तो नहीं पूछा गया। क्या है आपकी? सर हॉबीज में मेरा वॉचिंग मूवीज था। सवाल रहा हॉबीज से? यस सर। कि जो मूवीज़ बन रही हैं कि बॉलीवुड के छोड़ के साउथ की मूवीज़ आगे बढ़ रही हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अच्छा, जब ये सवाल रहा तो मेरा भी एक सवाल रहेगा आपसे। साउथ की मूवीज़ अभी काफ़ी ज़्यादा विवाद में रहा है, महेश बाबू का एक बयान कि मुझे बॉलीवुड अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको क्या लगता है उनके बयान से? सर ये उनकी सोच है, उस पर मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ। और हिंदी भाषा और साउथ की भाषा को लेकर भी कुछ अभी बयानबाजियाँ हुई थी? तो सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं खुद बैंगलोर में रहा हूँ, तो वहाँ पे अब मेरे को तो कन्नड़ आती नहीं, तो उनसे मैं हिंदी में ही वार्तालाप या इंग्लिश में ही बातचीत करता था, तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसे कोई इशू है। नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। सर सबकी अपनी अपनी मातृभाषा है, तो सबको चेंज करने की ज़रूरत क्या है? आप और हम भी तो आपस में बात कर ही रहे हैं ना। आप घर में कुछ और बोलते होंगे, मैं पंजाबी बोलता हूँ, तो डाइवर्सिटी को एंजॉय कीजिए। की बातचीत अभी हिंदी में हो रही है, तो सर वहाँ पे हम लोग इंग्लिश में, कोई एक लैंग्वेज होना जरूरी आपको लगता है? नहीं, इंटरेक्शन तो देखिए लोग अगर बात समझना भी चाहते हैं तब भी नहीं समझ पाते अगर एक लैंग्वेज हो, तो मेन बात है आपकी समझने की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बैंगलोर में काम किया, तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई इशू था वहाँ। तो प्रेम आईएस को अगर आपको 10 में कुछ नंबर देने होंगे तो कितना नंबर दीजिएगा? सर मैं खुद नंबर लेने आया था, मैं किसी को नंबर देने नहीं आया था। अगर आप यहाँ पर आए हैं टेस्ट लेने, तो आप अगर अनुमान करिए, दूसरे जगह भी आपने दिए हैं मॉक इंटरव्यू, तो ऐसे में अगर कुछ दोनों में अंतर करते हुए कुछ नंबर देने हो अदर जगह के अनुसार, कितने नंबर? सर पूरे ही देंगे, ज़्यादा ही देंगे, क्योंकि अब मेरा 18 को ही है, तो कॉन्फिडेंस लेवल जो इम्प्रूवमेंट का लास्ट स्कोप है, अभी जो यहाँ से पता चलेगा उसी पे ही काम करना। मैंने 18 मई को आपका मतलब पहले दिन ही? यस सर। पहला ही? और इवनिंग है या मॉर्निंग? सर 2:30 बजे की शिफ्ट में। तो चलिए, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, हरियाणा से आए हुए हैं, और इनका मॉक इंटरव्यू प्रेम आईएएस ने ले लिया है। फीडबैक अपना दे रहे थे कैसा कुछ रहा। दूसरे जगह से भी हमने बात करने की कोशिश की कि अगर अंतर दोनों की बात करें तो क्या कुछ रहा, लेकिन ऐसे में जो मॉक इंटरव्यू है बिहार में ऑफिसर्स मेकिंग ऑफिसर्स प्रेम आईएएस के द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया है, कितना कारगर है, कितना ज़रूरी है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।